मौसम शुरू होते ही घर में मक्खी, मच्छर और कॉकरोच जैसे कई कीड़े घूमने लगते हैं, जो कई प्रकार के घातक बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे में कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए बाज़ार में मिलते तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो कीड़ों को ख़त्म करें ना करें, लेकिन आपके और आपके बच्चों की सेहत पे उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में आपको बताएंगे घरेलू तरीके जिससे आपके घर में जितने भी मक्खी, मच्छर, कॉकरोच जैसी परेशानी है उसका खात्मा आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिट्टी का छोटा सा आपके पास बर्तन होना चाहिए, डिस्पोजेबल कप होना चाहिए, तेजपत्ता, नीम या फिर सरसों का तेल और कपूर की गोली। इसको इकट्ठा, जब आपने सारा सामान को इकट्ठा कर लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कपूर की गोलियों को पीस कर बारीक सा पाउडर तैयार कर लेना है। उसके बाद एक डिस्पोजेबल कप या फिर कागज़ की कटोरी भी लेकर उसमें नीम या सरसों के तेल को आपको डालना है। इसमें कपूर का पीसा हुआ पाउडर डालकर अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेना है, जिससे होगा क्या कि एक तेज़ गंध वाला लेप जो है, मिक्सचर है, वो तैयार हो जाएगा। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि कपूर और तेल के मिक्स को किसी बर्तन में तैयार ना करें, क्योंकि ऐसा करने से कपूर की खुशबू बर्तन में ही रह जाएगी। इसके बाद तेजपत्ते को बीच में से तोड़कर दो हिस्सों में बांट लीजिए और फिर उसे मिट्टी के बर्तन के अंदर रख दीजिए। इसके बाद तेजपत्ते के ऊपर कपूर और तेल से जो बना आपने मिक्सचर तैयार किया उसको डाल दीजिए। फिर इन सभी चीज़ों को माचिस की मदद से थोड़ी देर के लिए जला लीजिए और उसके बाद आग को बुझा दें। इस तरह तेजपत्ता, कपूर और तेल के साथ धीरे धीरे सुलगते हुए तेज गंध वाला धुआं उत्पन्न होगा, जिसके वजह से होगा क्या कि घर के अंदर जितने भी मौजूद मच्छर हैं, मक्खी हैं, कॉकरोच हैं और जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं फटाफट से आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे।